अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोमैक सॉल्यूशंस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू रिपेयर द आयरन। Please watch the complete video, don't skip the video. Let's start the practical. इतनी आपके पास पड़ी है, हमारे पास आई है, इसको चेक करना है कि इसका मसला क्या है। हमें यही बताया कि ये ऑन नहीं हो रही। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया कि हमारा 220 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये मल्टीमीटर है, 600 वोल्ट पे हमने इसको रखा। अब हम करंट चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारे आ रहे हैं कि नहीं। 231 वोल्ट आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग में। अब हम इसको इस्त्री को लगा के चेक करते हैं। इस्त्री को हमने लगाया है, इंडिकेशन भी नहीं आ रही। ये इंडिकेटर है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। इसको हम खोलते हैं, ये बैक स्क्रू है। ये हमने खोल लिया, हम इसको फर्दर खोल लेते हैं ताकि इसको प्रॉपरली चेक कर सकें। दोस्तों, अगर आपकी इस्त्री ना चल रही हो तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी इसकी जो केबल है इसको चेक करें। आपके पास अगर ये मीटर हो, डिजिटल मीटर है, कोई भी इस तरह का डिजिटल मीटर ले लें, उससे ये चीज़ें चेक हो जाएंगी। बड़े ब्रीफली बताऊंगा। यहाँ ऑफ होता है, यहाँ ये डायोड बना है, ये आपको एक बज़र की आवाज़ भी आ रही है, साथ में रेजिस्टेंस है। तो ये कंटिन्यूटी और ये साथ इसमें बज़र लगी होती है, और ये 2 किलो ओम तक रेजिस्टेंस भी शो करता है। तो इसको हम तार को पहले चेक कर लेते हैं। एक इस साइड पे लगाई, साथ में आप मीटर पे चेक करें, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 001, रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारी केबल ठीक है कि नहीं। ये इसके साथ आपको साउंड नहीं दे रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो आप दूसरे के साथ लगा के देखें। इसके साथ भी नहीं आ रही, इसका मतलब इस केबल में फॉल्ट है। अब इस साइड से हम चेंज करके देखते हैं, तो गोया कि ये हमारी केबल ही। तो ये भी चेक कर लेते हैं, और साथ में बाकी इसलिए भी आपको बता देता हूँ। इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इसमें आवाज़ आनी चाहिए। अब हम इस्त्री के बकिया पार्ट्स को चेक कर लेते हैं, मीटर को उसी तरह। कंटिन्यूटी हमारी, ये केबल सही तरह कनेक्ट है, ये भी चेक करना ज़रूरी होता है। अब हम ये हीटर, इसके हीटर एलिमेंट को चेक करेंगे। हीटर एलिमेंट ठीक है, यू कैन हियर द साउंड। अभी हम केबल को रिपेयर करते हैं या केबल चेंज करेंगे। हम पहले देखते हैं कि क्या हम इसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं।
हम इस केबल को यहाँ से काट लेते हैं, इस वायर को। छील लेते हैं। ये कनेक्टर फॉल्टी, ये शू जो है ये फॉल्टी लग रहा है, तो इसको भी हम काट देते हैं। राइट नाउ दोस्तों हमारे पास केबल और तो अवेलेबल नहीं थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी को रिपेयर करें। ये हमने कुछ शुरू वाला हिस्सा इसका छोड़ के इसको कट कर दिया है। अभी हम मीटर से चेक करते हैं कि है कि हमारी ये बकिया केबल जो है ठीक है कि नहीं। मीटर को कंटिन्यूटी पर रखेंगे, अगर ये ठीक हुई तो बजर की आवाज़ आपको आएगी। ये मैं रेड वाली का मसला था, ये सो यहाँ तक हमारी केबल ठीक है, इस वायर ठीक है। इसको हम आगे अभी फर्दर इसको असेंबल कर देंगे। पहले इसके साथ हम एक कनेक्टर लगा देते हैं जी। हम इसको खोलते हैं और ये कनेक्टर लगा देते हैं। इधर से लग गया एक दफ़ा, फिर हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्टर सही लग गया कि नहीं। बारी बारी तो एक के साथ आनी चाहिए, दूसरी के साथ ये नहीं आनी चाहिए। अब हम अपनी इस्त्री को दोबारा से असेंबल करते हैं। कोई भी स्क्रू टाइट करना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्रॉस थ्रेड नहीं होना चाहिए। मीटर के साथ चेक करेंगे कि कहीं हमारी इस्त्री शॉर्ट तो नहीं है। इन दो पे हमने सप्लाई देनी है। ये हमारा एलिमेंट है, सप्लाई इन दो पे देनी है इसके थ्रू। ये मैं फिर किसी वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे फंक्शन करता है। इसको बॉडी के साथ चेक करना होता है कि बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो, कोई भी पार्ट अगर शॉर्ट हो रहा हो तो वो, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, एलिमेंट ठीक है। स्पीड कम ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हम ये लगा चुके हैं, अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं फर्दर। अभी हम इसका लैंप लगा देते हैं। अभी हम इसको बंद करने से पहले एक दफ़ा चेक करते हैं अपनी इसमें 220 में लगा कर। एज यू कैन सी लैंप इज ग्लोइंग। ऑफ ऑन, फाइनली एक दफ़ा फिर हम चेक कर लेते हैं। 220 में लगाई, ऑन किया, लैंप ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
बेस्ट ऑफ लक।